विद्यार्थी यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 2.3 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, एक्स पावर 3 + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। ज्ञात करना है क्या आपको, शेषफल। तो यहाँ पे देखिए शेषफल एक भाग विधि पर जो नीचे वाला आता है आपका वो शेषफल होता है, और एक मान निकालने पर, ठीक है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू ये प्लस है तो इसके ये सेट आ गया तो माइनस में कितना हो गया 1। यहाँ पे एक्स का वैल्यू रख करके भी आप शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों विधि बताते थे, सबसे पहले देखिए शॉर्ट विधि ये है आपका, एक्स का वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स प्लस 1 है तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस में 1। यहाँ पे रखिए वैल्यू इस पर, एक्स पावर 3 + 3x² + 3x + 1, ठीक है। यहाँ पे एक्स है तो एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे माइनस में 1, इसका पावर 3 रख दीजिए प्लस 3 मल्टीप्लाई, यहाँ फिर यहाँ एक्स है तो एक्स का वैल्यू क्या रखिएगा माइनस में 1 यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 3 का 3 मल्टीप्लाई, यहाँ एक्स का वैल्यू क्या है माइनस में 1 और प्लस में 1। अगला वीडियो में आप लोगों को बताए थे एक का पावर कितनों भी है हमेशा क्या देता है आपका एक ही देता है, ठीक है। और माइनस का पावर अगर विषम संख्या तो क्या देता है माइनस, अगर सम संख्या रहता तो क्या हो जाता है प्लस। यहाँ पे देखिए पहले इसको आप सोल्व कर लिए, एक का पावर कितना होगा एक होगा और माइनस का पावर सम संख्या क्या देगा प्लस, तो यहाँ प्लस 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 बन गया और 3 को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 3। उसके बाद यहाँ प्लस यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस 3 और फिर प्लस में कितना 1, ये दोनों क्या हो गया कट गया, ये दोनों भी कट गया, क्या दिया 0। यानी शेषफल जो होगा आपका शेषफल लिख दीजिएगा शेषफल इक्वल टू 0 आंसर, ठीक है। और दूसरा आपका भाग विधि, देखिए भाग विधि आप किस प्रकार बना सकते हैं, भाग विधि थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक्स प्लस 1 आपको डिवाइड देना है एक्स पावर 3 + 3x² + 3x + 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या रखिएगा, जो दोनों से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ और यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे x पावर कितना हो जाएगा 3 देगा, ठीक है। तो यहाँ पे x पावर 2 है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे रख दीजिए x²। अगर ये ट्रिक समझ में नहीं आ रहा तो देखिए दूसरा ट्रिक, यहाँ पे x पावर यहाँ पे 3 हुए तो यहाँ x * x * x 3 बार रख दीजिए, यहाँ पे कितना x है तो यहाँ पे x डिवाइड में करके x दे दिए, फिर x x क्या हो गया कट गया, फिर x को x * करेंगे क्या देंगे x² हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे x पावर हो गया क्यूब, फिर इसी वाला को आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्योंकि इससे और इससे इंटू के तब आया x पावर 3, फिर x² को सेकेंड वाला से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे प्लस 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 x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², फिर क्या होता है यहाँ भाग में जब यहाँ पे घटाया जाता है, ठीक है, तो घटाने में चिन्ह बदल जाता है, यहाँ प्लस से माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे हो गया माइनस, इसका चिन्ह ब्लॉक कर दिए, ठीक है, ताकि ये चिन्ह आपको समझ में नहीं आए। वहाँ पे देखिए ये दोनों क्या हो गया कट गया और ये दोनों प्लस ये आपका माइनस, प्लस माइनस माइनस घटा दिए तो हो गया आपका 2x² ना कुछ, तो यहाँ पे एक रहता है तो 3 में से एक चल गया तो क्या बचेगा 2x², ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस में 3x प्लस में 1, यहाँ पे प्लस में हो गया क्योंकि ये 3 क्या था बड़ा है, ठीक है, जोड़ने और घटाने में यहाँ पे चिन्ह बैठता है जो सबसे बड़ी संख्या रहता है। यहाँ पे देखिए 2x² आपको लाना है तो फिर यहाँ पे ले लिए 2 × x × x, 2x² था तो 2 को ले लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए x से डिवाइड दीजिए तो x क्या हो गया कट गया तो बचा क्या 2x, तो यहाँ आप रख दीजिए प्लस में 2x, तो आपका हो गया 2x², फिर इसी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप चिन्ह को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यहाँ पे प्लस 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 2x को 1 से इंटू करेंगे क्या हो गया 2x, फिर प्लस से माइनस ये दोनों कट गया और ये दोनों क्या हो गया घट जाएगा क्या हो जाएगा x और प्लस में 1। आपको देखिए यहाँ पे पहले ये वाला उतारिएगा फिर ये वाला उतार दीजिएगा, कट गया कितना बार में एक बार में, तो आपको यहाँ पे 1 रख लीजिएगा प्लस में क्योंकि यहाँ पे प्लस में ही चिन्ह होगा, ठीक है। आपको फिर यहाँ पे x फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या देगा 1, फिर चिन्ह बदल दिए प्लस से माइनस ये दोनों कट गया क्या दिया 0, शेषफल 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस शॉर्ट ट्रिक से बनाए तो शेषफल क्या आया था 0, ठीक है, मान रखने पर इसको डिवाइड विधि से आपको बताएं शेषफल क्या किया 0, ठीक है। तो आप से इस विधि से भी बना सकते हैं और इस विधि से भी बनाइए, हम देखिए आपको बताएंगे भाग विधि से, ठीक है, क्योंकि आपको 10 क्लास में भाग विधि से ही बनाना पड़ता है, ठीक है, ताकि आपको 10 क्लास में आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए भाग विधि से हम बनाएंगे, यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है,
एक से माइनस में वन बाई दो को इससे आपको डिवाइड देना है। तो आपको पहले क्या बोले थे, यहाँ पे पहले उतार दिए एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या एक एक्स है तो एक्स एक्स कट गया, तो आपको उतारना यहाँ पे क्या पड़ेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे हो गया एक्स पावर थ्री, फिर इसी को हम किससे इंटू करेंगे सेकेंड वाला से, तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, फिर एक्स स्क्वायर को पहले आप वही उतार दी वन बाई टू एक्स स्क्वायर, फिर चिन्ह बदल ली प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस, इसका चिन्ह क्लोज कर दी, ये दोनों कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ पे प्लस 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 प्लस, ये दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जुटेगा कैसे, ये तीन और वन बाई दो को आपको जोड़ना है, तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भिन्न के रूप में जुटेगा, यहाँ पे देखिए रफ में कर लीजिएगा थ्री प्लस वन बाई दो ने कुछ तो वन, एक दो कैल्शियम दो, जब कहीं एक रहता है तो क्रॉस मल्टीफिकेशन कर दिए, थ्री टू जै सिक्स और वन का टेबल वन बार में, तो छः कितना हो गया सात, सेवन बाई कितना दो एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए प्लस में थ्री एक्स प्लस में वन, वही को उतार दिए। अब आपको क्या लाना है सेवन बाई टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे लाना, तो यहाँ पे हम क्या उतारें, ठीक है, यहाँ पे अगर जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह, यहाँ पे प्लस उतार दिए, यहाँ पे उतारिए सेवन वाई में टू इंटू एक्स इंटू एक्स, और नीचे में क्या है यहाँ पे क्या है एक्स से डिवाइड देना है, एक्स एक्स करिए, तो यहाँ पे हमको क्या उतारना पड़ेगा सेवन वाई टू एक्स उतारना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ लिख दिए सेवन वाई टू एक्स, तो यहाँ पे हो गया सेवन वाई टू एक्स स्क्वायर, फिर इसी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड वाला से, माइनस प्लस माइनस, सेवन को वन से इंटू करेंगे तो सेवन, और टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे कितना देगा फोर, यहाँ पे एक्स का जाती। उसके बाद फिर देखिए प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, इसका चिन्ह क्लोज, ये दोनों कट गया फिर आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, फिर ऐड हो जाएगा रफ में, फिर ऐड कर लीजिए आप थ्री प्लस प्लस, इसलिए क्योंकि इसके पास भी प्लस है और इसके पास भी क्या है प्लस है, आगे छुपा हुआ रहता है। उसके बाद सेवन बाई फोर उतारिए, सेवन बाई फोर ने कुछ तो फिर वन, एक चार कैल्शियम कितना हो गया चार, फिर कहीं एक रहता है तो क्रॉस मल्टीफिकेशन, यहाँ टू है प्लस में यहाँ पे नाइन, तो कितना हो जाएगा यहाँ सेवन हो जाएगा, तो बारह और सात कितना उन्नीस, उन्नीस बाई चार, यहाँ उतार लिया उन्नीस बाई में चार, यहाँ पे एक्स का जाती, फिर प्लस में यहाँ पे कितना हो गया वन। अब आपको फिर यहाँ पे क्या उतरेगा जो उन्नीस बाई चार एक्स आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस था है ना, तो यहाँ पर प्लस ले लिए, यहाँ पे देखिए उन्नीस बाई में चार एक्स, यहाँ पे क्या है एक्स से डिवाइड दे दी, एक्स एक्स कट गया, तो यहाँ पे केवल क्या उतारना पड़ेगा उन्नीस बाई चार, तो यहाँ देखिए उन्नीस बाई में चार, तो यहाँ पे हो गया आपका उन्नीस बाई में चार एक्स, फिर इसी को किससे इंटू करेंगे एक से, ठीक है, मतलब वन बाई टू से, तो माइनस और प्लस प्लस माइनस माइनस, उन्नीस को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो उन्नीस, और चार को दो से इंटू करेंगे कितना देगा आठ, फिर यहाँ पे चिन्ह बदल दिए प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये दोनों फिर कट गया, फिर इसको आप इसको रफ कर लीजिए, ठीक है, इसको रफ कीजिए वन, उसके बाद प्लस उन्नीस बाई में आठ ने कुछ तो फिर यहाँ वन, एक आठ कैल्शियम कितना हो गया आठ, क्रॉस मल्टीफिकेशन कीजिए यहाँ पे आठ प्लस में उन्नीस, तो कितना हो जाएगा सत्ताईस बाई में आठ, यानी शेषफल जो आपका आया रिमाइंडर आपका सत्ताईस बाई में आठ आया आंसर, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं शेषफल इक्वल टू इतना आंसर, शेषफल इक्वल टू कितना आ गया सत्ताईस बाई आठ आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अब देखिए यहाँ पे थर्ड का, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का बना रहे हैं, यहाँ पे एक से आपको डिवाइड देना है, ठीक है, तो आपको रूल बताएं यहाँ पे क्या उतरेगा जो एक्स पावर यहाँ पे थ्री हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ एक्स के गो तीन गो एक्स इंटू एक्स, किसके डिवाइड देना एक्स से, एक्स एक्स कट गया एक्स को एक्स इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर से, यानी आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस से माइनस, ये दोनों क्या हो गया कट गया, यहाँ पे उतार दिए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री एक्स प्लस में वन, यहाँ पे कुछ रहता था तब इसको हम इससे इंटू करते थे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थ्री मल्टीप्लाई यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई एक्स, डिवाइड देना आपको कितना से एक्स से, तो एक्स एक्स क्या हो गया कट गया, यानी कि वहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा थ्री एक्स, तो प्लस में रख दिया यहाँ पे थ्री एक्स, यहाँ हो गया थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस से माइनस से करके यहाँ पे कट गया, यहाँ पर फिर थ्री एक्स प्लस में वन उतार दिए, फिर आपको कितना लेना है थ्री एक्स, डिवाइड देना है यहाँ पे एक्स, तो एक्स एक्स कट गया, यानी आपको प्लस में यहाँ प्लस है ना, यहाँ पे प्लस में
थ्री, ठीक है, थ्री एक्स हो गया माइनस, ठीक है, ये दोनों कट गया। उस जब अचर पद आ जाता है तो यहीं पे आपको स्टॉप किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना शेषफल जो आपका एक आ गया ना, इसका क्या गया, एक आ गया आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको सॉल्व करना है फोर्थ का, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, क्वेश्चन नंबर फोर पे आइए। तो क्वेश्चन नंबर फोर में, ठीक है, अगर आप भाग विधि से बनाइए तो बहुत ही लॉन्ग चल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको आप मान लेके ही बनाइए। तो यहाँ पे एक्स प्लस यहाँ पे क्या है, पाई है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू माइनस में क्या हो जाएगा आपका, पाई। अब इस पर मान बैठा दीजिए, एक्स पावर थ्री प्लस में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री एक्स प्लस में वन, यहाँ पे एक्स है तो पाई का मान बैठा दिए माइनस में पाई का पावर क्यू, फिर थ्री मल्टीपल यहाँ, फिर यहाँ एक्स है तो एक्स का वैल्यू हो गया माइनस में पाई, यहाँ पे क्या हो गया होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ थ्री मल्टीपल है यहाँ एक्स का वैल्यू क्या हो गया माइनस में पाई, फिर प्लस में वन। यहाँ पे देखिए किसी का भी पावर अगर क्या हो विषम संख्या दे है तो क्या देगा माइनस में, यहाँ पाई का पावर क्या देगा पाई क्यू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस का पावर अगर सम संख्या हो तो क्या देगा आपका प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे थ्री और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस थ्री पाई और प्लस में वन, ये आपका शेषफल आया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं शेषफल इक्वल टू इतना, वहाँ पे शेषफल ज्ञात करने के लिए बोला नहीं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि शेषफल बराबर आपका इतना आंसर हो गया, ठीक है। अब वहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव का लास्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया हुआ है फाइव प्लस दो एक्स से आपको डिवाइड देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले क्या रख दिए आपका चर राशि और लास्ट में आपका अचर राशि रखे, ठीक है, क्योंकि इसको सजाना पड़ेगा आपको। आपको क्या बोले यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा जो आपको यहाँ पे एक्स पावर आपका थ्री आ जाता है। यहाँ पर देखिए पहले रखिए एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है, इसको आपको रफ करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे में क्या है दो मल्टीप्लाई एक्स, तो एक्स एक्स क्या हो गया कट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर, क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर, और नीचे में दो है तो ना कुछ तो ऊपर वन, तो वन बाई टू, ठीक है, वन बाई टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे रखना होगा। तो यहाँ एक्स पावर कितना हो गया क्यू आ जाएगा। उसके बाद इसी को आप किससे इंटू कीजिएगा फाइव से, तो फाइव को वन से इंटू करेंगे क्या देगा, पहले तो आप लीजिए प्लस प्लस प्लस, फाइव वन को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव और नीचे में कितना हो गया दो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस से माइनस चिन्ह बदल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस यानी कि घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो घटाने के लिए फिर आपको यहाँ पे रफ कर लीजिए, यहाँ पे थ्री है फिर यहाँ पे माइनस में है फाइव बाई टू ने कुछ तो वन, एक दो कैल्सियम दो क्रॉस मल्टीफिकेशन कीजिए सिक्स माइनस में फाइव, छः में से पाँच गया तो एक बाई में दो यहाँ उतारिए, वन बाई टू एक्स स्क्वायर, सबसे बड़ी संख्या देख सकते हैं प्लस में, ठीक है, तो यहाँ प्लस ही में होगा, जो बचा सो उतार दिए प्लस में थ्री एक्स प्लस में वन। अब यहाँ पे देखिए वन बाई टू एक्स आपको लाना है, ठीक है, और इससे आपको डिवाइड देना, तो लीजिए वन बाई में टू है ना, और इंटू एक्स मल्टीप्लाई एक्स, नीचे में ही दो ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर और उतरेगा दो एक्स इंटू दो और इंटू एक्स, ठीक है, ये वाला दो इसका था और यहाँ से उतारे दो इंटू में एक्स, एक्स एक्स क्या कट गया, तो यहाँ पे वो क्या उतरेगा एक्स दो दुनी का चार, यहाँ पे एक्स बाई में फोर, यानी कि वन बाई फोर आप लिख सकते हैं, यहाँ पे वन और दो दुनी का चार यानी कि एक बट्टा चार, यहाँ पे हो जाएगा आपका सिर्फ एक्स, तो यहाँ हो गया वन बाई टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी को हम किससे इंटू करेंगे सेकेंड से, प्लस प्लस प्लस, वन को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे फाइव और नीचे में कितना हो जाएगा फोर यहाँ पे एक्स। उसके बाद फिर देखिए चिन्ह बदल दिए, प्लस से माइनस इसका चिन्ह ब्लॉक कर दिए, ये दोनों क्या हो गया कट गया। अब यहाँ पर फिर रफ कर दिए क्योंकि प्लस माइनस माइनस आपको घटाना है तो घटा दीजिए, थ्री अब माइनस यहाँ पे फाइव बाई फोर ने कुछ तो क्या लीजिएगा वन, एक चार कैल्सियम फिर निकाल लीजिए चार, क्रॉस मल्टीफिकेशन कीजिए 12 माइनस में 5, 12 में से 5 गया के 7, 7 बट्टा कितना 4, तो यहाँ उतार दिए 7 बाई फोर एक्स प्लस में 1, यहाँ आपको फिर लाना 7 बाई फोर एक्स, तो कैसे लीजिएगा 7 इंटू एक्स और नीचे में 4, क्योंकि यहाँ पे नीचे में उतर जाएगा 2 इंटू एक्स, एक्स एक्स कट गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या उतरेगा 7 और 4 दूनी का 8, तो प्लस में 7 बाई में 8 हो जाएगा।
तो 7y में 4x, फिर इसी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो कर दिए 7 × 5 = 35 और नीचे में कितना हो जाएगा 8, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है नहीं तो 8 का 8 ही उतर जाएगा। उसके बाद चिन्ह बदल दिए, प्लस से माइनस ये दोनों कट गया। अब ये दोनों घटाने पे जो आएगा वो आपका शेषफल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रफ देख लीजिए, यहाँ पे 1 माइनस, क्योंकि माइनस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि माइनस के 35/8 के पास क्या है, माइनस है, तो 35 / 8 ने कुछ तो 1 एक 8 कैल्शियम 8 यहाँ पे कर दिए 8 और माइनस में 35, 35 में से 8 गया कितना हो जाएगा आपका 27/8 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो यहाँ माइनस में 27/8 आंसर आ गया शेषफल। यहाँ लिख सकते हैं शेषफल −27/8 आंसर, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, x³ − x² + 6x - a को x - a से भाग देने पर आपको शेषफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है, तो x का मान लेकर के भी बना सकते हैं या तो फिर भाग देने पे, ठीक है। तो भाग देने के लिए सीख लीजिए आप x - a, ठीक है। यहाँ x³ − ax² + 6x - a, ठीक है। आपको हर हाल में आपको कितना लाना है, x³ यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या रखना, तो इसको रखने के लिए आपको रफ करने पता है, x × x × x, यहाँ 3 को है तो यहाँ 3 उतार दें, यहाँ पे क्या हो गया x कट गया, तो यानी x को x इंटू करेंगे तो यहाँ पे x² रखिएगा, तो इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा x³। फिर इसी को किससे इंटू करते हैं, इसे −±, तो ax² हो गया। फिर चिन्ह बदल दिए माइनस और ये प्लस, ये दोनों कट गया क्योंकि एक जाती है। उसके बाद 6x - a, आपको 6x, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे क्या रखे जो 6x आ जाए, पहले तो आप प्लस आप ले लीजिए क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो प्लस यहाँ पे 6 × x, यहाँ x से डिवाइड दीजिए, x क्या हो गया कट गया, तो बचा क्या केवल 6, यानी आप 6 रखिएगा तो 6x हो जाएगा। फिर इसी को किससे इंटू करेंगे, a से, तो प्लस माइनस माइनस, 5 को a से इंटू करेंगे, 6 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a, चिन्ह बदल दिए माइनस और माइनस से प्लस, ये दोनों कट गया, यानी कि अब इसको घटा दीजिए, 6 में से 1 चल गया तो 5a आपका आंसर दिया शेषफल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आप 3 का देखिए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में है, जांच कीजिए कि 7+3x और −3x² + 7x का गुणनखंड है या फिर नहीं। अगर शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाएगा तो आपका ये गुणनखंड होगा, अगर 0 नहीं आया तो ये गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको इसको इससे डिवाइड देना है, ठीक है। तो इसको देखिए, पहले आप शुरू वाला उतारिए क्योंकि चर राशि आपका हो गया 3x और प्लस में हो गया आपका 7, उसके बाद 3x² + 7x आपको यहाँ पे 3x² लाना है, यहाँ पे क्या रखें, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, x रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3x², ठीक है। फिर इसी को किससे इंटू करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस प्लस प्लस, इससे इंटू करने क्या देगा 7x, ठीक है। तो दोनों कट के क्या दिया, प्लस से माइनस क्या दिया 0, ठीक है। आपका शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, तो आपका क्या ये गुणनखंड है, लिखे हाँ आंसर हो गया, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को एक दूसरे को शेयर जरूर करें। थैंक यू।